हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इन अ मीटर ब्रिज व्हेन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर। ऑन द शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम, द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाई। इंपॉर्टेंट है, बैलेंस लेंथ चेंजेस है, ये है ना, इस पर ध्यान रखना। केस दो है इसमें। पहला केस करते हैं, पहले एक मीटर ब्रिज बना लेते हैं। ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, बीच में दो गैप होते हैं ऐसे, और यहां आपका 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म एरिया ऑफ प्रोसेसन का सेम मेटल का एक वायर हो रहा है होता है। और देखो लेफ्ट गैप में 2 ओम है, तो ये लेफ्ट गैप है आपका, इसमें तो 2 ओम लगा हुआ है, और राइट गैप में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है अननोन आर। बैलेंसिंग लेंथ आ रही है आपकी 40 सेंटीमीटर पर जे पर, ए बी, ये 40 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग लेंथ आई है। आई जी 0 है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, एक ये फिगर होता है। अगर आपको पता हो कि ये जो मीटर ब्रिज होता है, ये बैलेंस वी टेस्टर ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड होता है, तो लेट कर लेते हैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर है। दैट मींस इस वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है। ऐसा इसलिए कह सकते हो क्योंकि पूरा वायर का रेजिस्टिविटी सेम, एरिया प्रोसेसन सेम, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल है, तो लेंथ से रेजिस्टेंस डिसाइड हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा ओम मान लिया है मैंने, तो 40 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ इस वाले वायर का रेजिस्टेंस। मान लो ये R1 है और इसकी वैल्यू होगी 40 लैम्डा ओम, और इसके 69 सेंटीमीटर हो जाएगी। 40 सेंटीमीटर ये है, 100 सेंटीमीटर का पूरा वायर था, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू 60 ओम। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो 40 सेंटीमीटर लेंथ का 40 लैम्डा। ठीक है, अब ये इफ आई जी इक्वल टू 0, तो ये बेस्ड ऑन बैलेंस विद टेंशन ब्रिज, तो इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई इक्वल होता है, या इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो कर लो। रेशियो में करते हैं, मैं मल्टीप्लाई में करता हूँ, अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो करो तो 2 इंटू लैम्डा इंटू 60। ये कंडीशन लगा रहे हैं बैलेंस विद टेंशन ब्रिज की, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो आर इंटू 40 लैम्डा। तो लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो गया, यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये 3 बार, 2 से 2 कट गया, तो आर की वैल्यू तो आ गई 3 ओम। फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर इस अननोन वायर के रेजिस्टेंस के साथ संटेड कर दें 1 2 ओम का रेजिस्टेंस, संटेडिंग मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें, तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा वो पूछ रहा है। तो देखो ये डायग्राम द्वारा से आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो सेकंड केस में, फटाफट फटाफट ऐसे सोच लो ऐसे, है ना। अब केस नहीं, इस रेजिस्टेंस आर के साथ एक रेजिस्टेंस 2 ओम संट कर दिया है, ये 2 ओम संट कर दिया है इसके साथ, और ये ऐसे के ऐसे ही है 2 ओम, ठीक है ना। ऑन संटिंग अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम, अननोन रेजिस्टेंस के साथ, तो अननोन रेजिस्टेंस तो यही था, इसके साथ एक संट कर दिया, संट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, तो लगा दिया। अब बैलेंसिंग लेंथ जो ऑप्टेन होगी वो कहाँ होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन दोनों से भी कम आएगा। अगर कम आएगा तो यहाँ आर से भी कम आएगा, तो सोचो बैलेंस आर जो है कम हो गया, ये वाला वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है। अगर ये कम हो जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फिर कम होना चाहिए बैलेंस अगर करना है तो इस वाली कंडीशन में ये वाली जो लेंथ है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये आर कम हुआ तो ये भी कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो ये वाली लेंथ कम करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ इधर की तरफ शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये जॉकी जो है वो कुछ इधर शिफ्ट होगी ऐसे। तो मान लो इसकी बैलेंसिंग लेंथ अब एल है, बैलेंसिंग लेंथ एल है और आई जी 0 है,
तो ये 100 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस तो वही रहेगा लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। फिर कर लो ये आर और दो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू टू ओवर आर प्लस टू। इन दोनों का एक ए कर लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब फिर वही सेम टू सेम, इफ आई जी अगर जीरो तो इसका इसका मल्टीप्लाई, तो टू इंटू लैम्डा 100 माइनस एल, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस इतना होगा। तो इसका से मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू इसका इसमें कर लो, तो इसका रेजिस्टेंस है आर मल्टीप्लाइड बाई टू और आर प्लस टू, और लंबाई कितनी है लैम्डा एल, तो लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी 3 ओम, तो ये 100 माइनस एल इज इक्वल टू 3 एल ओवर 5 हो गया नीचे। इसका मल्टीप्लाई कर लो 500 माइनस 5 एल इक्वल टू 3 एल, तो ये हो जाएगा 8 एल इक्वल टू 500, तो एल इज इक्वल टू 250 बाई 4। दो से काट दिया ये 250 बार, ये 4 बार, 4 से और काट लो बेटा इसको। अगर इसमें 4 का डिवाइड करें तो 62.5 सेंटीमीटर नई बैलेंसिंग लेंथ आई। अच्छा ये लेफ्ट से ही करेंगे बेटा, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है हम लेफ्ट से कर रहे हैं, कुछ में गिवन नहीं है लेकिन लेफ्ट में ही जनरली हम मोस्टली लेफ्ट से करते हैं, इसलिए लेफ्ट से ही करेंगे। 62.5 सेंटीमीटर आ गया देखो, अगर ये 62.5 है, लेकिन ये मोस्टली बच्चा टिक कर देता 62.5 आंसर, गलत हो जाएगा बेटा। उसने नई बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछी है, बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आता है इसलिए मिस्टेक करते हैं मोस्टली। और देखो चॉइस में भी 62.5 दे रखा है, आंसर आ रहा है, तो मोस्टली बच्चे जल्दी से फटाफट टिक कर देते हैं। आप मत करना, बैलेंस लेंथ चेंजेस बाई, तो पहले कितनी थी 40 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई बैलेंसिंग, न्यू बैलेंसिंग 62.5, तो चेंज कितना आएगा, चेंज पूछ रहा है बेटा। बैलेंसिंग लेंथ में चेंज कितना, तो 62.5 माइनस 40, दैट मीन्स 22.5 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा इसका। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मत करना, 22.5 इसको जरूर चेक करा करो कि नई बैलेंस लेंथ पूछी है या चेंज पूछा है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।